हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके मोस्ट पॉपुलर कोर्सेज जिसको आप जानते हैं, बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के ऊपर। ठीक है, सो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर आप सभी स्टूडेंट्स एडमिशन ले रहे हो। सो उसके अंदर मैंने हिस्ट्री ऑनर्स के लिए टॉप कॉलेजेस एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर बता दिया था वीडियो बनाकर, और बीए प्रोग्राम के ऊपर भी बता दिया है। अब लास्ट की जो वीडियो है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, वो बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के। ठीक है, सो उसके अंदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लीजिए, आप डोमेन्स के अंदर क्या सब्जेक्ट्स रखने हैं। तो एनी वन फ्रॉम सेक्शन वन, तो लैंग्वेज का पोर्शन उसमें से एक आपका होना चाहिए इंग्लिश हिंदी, एंड जो भी आपका लैंग्वेज हो उसके अकॉर्डिंग, एंड देन एनी थ्री फ्रॉम सेक्शन सेकेंड। ठीक है, अब देखो सेक्शन सेकेंड के अंदर बी वन दिया गया है, बी टू दिया गया है। तो अब देखो यहाँ पर लिस्ट ए है, ठीक है, और एनी टू सब्जेक्ट फ्रॉम लिस्ट बी वन, और एनी वन सब्जेक्ट फ्रॉम आइदर लिस्ट बी वन और बी टू। तो बी वन और बी टू में से आपको कोई एक चूज करना है, मेरिट विल बी बेस्ड ऑन सीयूटी। तो ये आपका पूरा कॉम्बिनेशन रहना चाहिए। आई होप कि आप समझ गए होंगे इन सभी चीज़ों को लेकर। ठीक है, अगर फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरीज रहती है बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स लेने के में, एंड आप कन्फ्यूज हो रहे हो कि बीए प्रोग्राम ही ले या ना ले, और जो भी कन्फ्यूजन है, जो भी आपकी क्वेरीज है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हो अगर आपकी कोई क्वेरीज है। ठीक है, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेना, आपको सारे लेटेस्ट अपडेट्स इस चैनल पर मिलते रहेंगे सीयूईटी एडमिशन से रिलेटेड। अब हम टॉप कॉलेजेस के ऊपर बात कर लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको मैं टॉप कॉलेजेस के नाम बताने जा रहा हूँ जिसमें से सबसे नंबर वन पे आएगा हिंदू कॉलेज। आई होप कि हिंदू कॉलेज को आप जानते होंगे, और नंबर वन कॉलेज है ये हिंदू कॉलेज। ठीक है, हिंदू कॉलेज है, यहाँ पर आपको फीस वगैरह पर नहीं जाना है, फीस उतनी नहीं है। ठीक है, आपको सिर्फ मैं कॉलेजेस के नाम बता रहा हूँ पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में। ठीक है, तो हिंदू कॉलेज टॉप का कॉलेज है। इसके बाद आप केएमसी कॉलेज, किरोड़ीमल कॉलेज के अंदर जा सकते हो। ठीक है, इसके बाद ये डीसी एसी कॉलेज, ये ठीक है आर्यभट्टा, हाँ डीआरसी कॉलेज जो कि गर्ल्स कॉलेज है, तो इसके अंदर भी आप जा सकते हो। ठीक है, गार्गी कॉलेज भी नंबर वन कॉलेज है, बढ़िया कॉलेज है। ठीक है, तो इसके अंदर भी आप ले सकते हो एडमिशन बीए पॉलिटिकल साइंस ऑन, ये टॉप कॉलेजेस हैं। श्री वेंकटेश्वर कॉलेज जो कि साउथ कैंपस का कॉलेज है, तो इसके अंदर भी आप एडमिशन ले सकते हो। आईपी कॉलेज है, ये भी इंद्रप्रस्थ कॉलेज फॉर वुमेन है, तो इसके अंदर भी आप एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, पॉलिटिकल रामजस कॉलेज जो भी है बहुत इंपॉर्टेंट कॉलेज है, और इसके अंदर भी एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, लेडी श्रीराम कॉलेज जो है वो भी गर्ल्स कॉलेज है, तो इसके अंदर भी आप एडमिशन ले सकते हो, और ये टॉप का कॉलेज है। इसके बाद मिरांडा हाउस जो कि नंबर वन कॉलेज है वुमेन्स के लिए, तो इसके अंदर भी आप एडमिशन ले सकते हो बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के लिए। ठीक है, इसके साथ साथ में शहीद भगत सिंह कॉलेज के अंदर भी जो कि साउथ कैंपस का कॉलेज है, उसके अंदर भी एडमिशन ले सकते हो। जीटीबी खालसा, एसजीटीबी खालसा के अंदर ले सकते हो, दयाल सिंह कॉलेज के अंदर ले सकते हो। ठीक है, एआरएसडी कॉलेज के अंदर एडमिशन ले सकते हो, एंड देन राजधानी कॉलेज भी ठीक कॉलेज है, एंड सत्यवती कॉलेज के अंदर आप चाहो तो एडमिशन ले सकते हो, बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के लिए भी बहुत अच्छा कॉलेज है। ठीक है, और ये सारे एसपीएम कॉलेज जो कि गर्ल्स के लिए है, तो अगर आपके ये नियर बाय कॉलेज है तो आप इसके अंदर भी एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, ये भी अच्छा कॉलेज है उसके। तो ये सारे टॉप कॉलेजेस हैं, आई होप कि आपको पता चल गए होंगे कि बीए पॉलिटिकल साइंस कोर्सेज के अंदर कौन कौन से अच्छे कॉलेजेस हैं। ठीक है, तो इन सभी कॉलेजेस टॉप कॉलेजेस हैं जो कि ए प्लस, जो भी मैंने कॉलेज बताया है इन सभी की तो ए रैंकिंग है, नहीं तो ए प्लस रैंकिंग है। तो इन सभी के लिए एडमिशन लेने के लिए आपको अच्छा स्कोर करना होगा सीयूईटी एग्ज़ाम के अंदर, तो अच्छे से पढ़ाई करना। बाकी जो मेरी तरफ से तैयारी होगी, मतलब आप सभी स्टूडेंट्स के डोमेन्स की, हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस के लिए और सोशोलॉजी के लिए, वो मैं ज़रूर स्टार्ट करने वाला हूँ। तो उसके लिए चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है, और सारे लेटेस्ट अपडेट्स इस चैनल पर आपको मिलते रहेंगे। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ से प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।